वेलकम टू कैप्टन एजेंट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 11th क्लास का प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर देखें, तभी आपको पार्ट 4 अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, पार्ट 3 तक हमने देख लिया था क्लासिफिकेशंस की, पोषक तत्वों का प्लांट न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, वर्गीकरण कैसे किया गया है। उसके बाद में एक टॉपिक मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। वो टॉपिक क्या है कि जितने भी पोषक तत्व है उनके इम्पोर्टेंस, मतलब उनका कार्य, कमी के लक्षण और उनके उपयोग, मतलब एक तरीके से उपाय कि कमी हो जाएगी तो क्या क्या उपाय करेंगे। तो सभी जो पूरे के पूरे 17 पोषक तत्व हैं उनका मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, मतलब 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, तो उसमें मैंने अपलोड कर रखी है पहले वाली वीडियोस में। उसमें मैंने सारे के सारे पोषक तत्वों के इम्पोर्टेंस बता रखे हैं, कमी के लक्षण बता रखे हैं और उनके उपाय बता रखे हैं कि कैसे कमी को दूर करेंगे। तो वहाँ से आप उन सभी पोषक तत्वों को पढ़ सकते हो, ताकि आप उन पोषक तत्वों के बारे में बिल्कुल अच्छे से जान सके कि पोषक तत्व की वजह से, किस पोषक तत्व की वजह से प्लांट के अंदर क्या कार्य होता है, कौन सा पोषक तत्व प्लांट में क्या कार्य करता है, उसकी कमी होने पर उसके सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे और उसको कैसे हम दूर करेंगे। तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब आज हम बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर में सेकंड जो आता है टॉपिक वो आता है फर्टिलाइजर्स की उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक आज हम पढ़ेंगे, और अगर आप लोग नोटबुक लेकर नहीं बैठे हुए हो तो नोटबुक लेकर जरूर बैठे, ताकि आप, मैं यहाँ पर जो भी नोट करवाऊँ उन सबको आप लिख सके। तो आज हम बात करेंगे कि उर्वरक या फर्टिलाइजर क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, उर्वरक उद्योगों में तैयार किए गए ऐसे रसायन होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरकों को कृत्रिम रूप से मानव द्वारा किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी कारखाने में तैयार किया जाता है, जिससे फसलों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखें तो डेफिनेशन क्या है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जमीन या मिट्टी में डाले जाने वाले रसायन, उनको हम क्या बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं। दोस्तों, उर्वरक क्या करते हैं, मतलब फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे उत्पादन ज़्यादा होता है किसान को। और आजकल की जो खेती हो रही है, जो हमारी फार्मिंग है न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस, वो सारी की सारी उर्वरकों पर आधारित खेती है। कहने का मतलब, हम ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का यूज़ हमारी खेती पर करते हैं, जिससे हमें कुछ बहुत सारे दुष्प्रभाव को सब बहुत सारे मतलब नुकसान हैं उर्वरकों की वजह से, रसायन की वजह से, केमिकल की वजह से। तो ये भी हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्वरकों का क्या इंपोर्टेंस है, फर्टिलाइजर का क्या इंपोर्टेंस है फसल के अंदर। एक एक पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। उर्वरकों का महत्व, क्या महत्व है, कारखानों में विभिन्न खनिज पदार्थों की सहायता से कृत्रिम रूप से उर्वरकों को तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, उनको रसायन के जरिए उर्वरक बनाए जाते हैं कारखानों के अंदर। इसका इंपोर्टेंस आता है, खेतों में कार्बनिक खाद की तुलना में इसकी मात्रा कम डाली जाती है। दोस्तों, जो कार्बनिक खादें होती है उनको तो हम 10 से 12 टन के हिसाब से डालते हैं, जबकि हम बात करें उर्वरक की तो इसको हम 50 केजी, 60 केजी, इस बेस पे हम इसको डालते हैं पर हेक्टेयर। तो दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि खेतों में कार्बनिक खाद की तुलना में इसकी मात्रा कम डाली जाती है। किसकी, उर्वरक की। इसका पहला इंपोर्टेंस हो गया कि कार्बनिक खाद तो हमें ज्यादा डालनी पड़ेगी। कार्बनिक खाद मतलब आप जानते हो ना, जैसे गोबर की खाद हो गई, तो दोस्तों उसको तो आपको ज्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन उर्वरक का एक कट्टा लिया होगा आप, उसी में आपका काम चल जाएगा जमीन के अकॉर्डिंग कि कितना इसमें हमें खाद डालना है, उर्वरक डालना है। सेकेंड पॉइंट आता है, इसकी अधिक मात्रा में पौधे व भूमि नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर हम इसकी अधिक मात्रा डाल देंगे तो हमारे पौधे और भूमि पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे, नुकसान होगा और हमारे पौधे और भूमि भी नष्ट हो जाएगी। जैसे छोटे से एग्जांपल से हम समझें कि किसी खेत में हम बहुत ज़्यादा यूरिया डाल दें, क्या डाल दें, यूरिया, तो वहाँ के जो प्लांट्स होंगे फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। क्या होंगे, गल जाएंगे, जिससे पौधे तो खत्म होंगे ही सही, साथ में जो ये भूमि है हमारी, इस पर भी दुष्प्रभाव पड़ेंगे इसके, ठीक है, उर्वरक के। तो ज़्यादा उर्वरक क्या होता है, फसल के लिए नुकसानदायक होता है और पौधे के लिए भी नुकसानदायक होता है, जमीन के लिए भी नुकसानदायक होता है। थर्ड इंपोर्टेंस है, खेत में बुआई के साथ साथ खड़ी फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, जो खाद है, अगर गोबर की खाद है आपके पास, तो उसको तो आप क्या करोगे, बुआई से पहले, बुआई से पहले खेत में डाल दोगे ट्रॉली की सहायता से,
बुआई से पहले आपको डालना पड़ेगा, जब हकाई जुताई वगैरह होगी उस टाइम पे आपको उस खाद को डालना पड़ेगा। लेकिन जो उर्वरक है दोस्तों, इसको हम खड़ी फसल में भी डाल सकते हैं। जैसे हमारा कोई ये वाला प्लांट है, इसमें किसी उर्वरक हमें डालना है इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो आप इस खड़ी फसल में भी डाल सकते हो। जैसे हम क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, MOP डालते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, मतलब बहुत सारे फर्टिलाइजर है जिनको हम क्या करते हैं, खड़ी फसल में डालते हैं, और इनको हम बुआई के साथ भी डाल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया कि उर्वरकों को हम क्या कर सकते हैं, खड़ी फसल में भी डाल सकते हैं और बुआई के समय भी डाल सकते हैं। जबकि हम बात करें खाद की, तो खाद को तो सिर्फ हम बुआई के समय ही डाल सकते हैं, और इसकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि उर्वरक की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट समझते हैं, इन उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों जब हम ये उर्वरक डालेंगे, जैसे उर्वरक हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो हमें सिंचाई करना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि सिंचाई करेंगे तभी जाके ये जमीन में घुल पाएंगे, और घुलेंगे उसके बाद ही ये जड़ों में जाएंगे, जड़ों में जाने के बाद ही अपना कार्य करना स्टार्ट करेंगे। तो उर्वरकों को डालने के बाद सिंचाई करना भी बहुत जरूरी होता है। और इसका एक और इम्पोर्टेंस है कि अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो इनका कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो जाएगा जड़ों पे, उसकी वजह से हमारा प्लांट गल भी सकता है। तो सिंचाई करना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है उर्वरकों को डालने के बाद। दो प्रकार से उर्वरक डाले जाते हैं, एक तो डायरेक्ट हम जमीन में डाल देते हैं, और दूसरा हम स्प्रे के द्वारा डालते हैं, मतलब टोस, या तो टोस डाल देंगे या द्रव के रूप में। आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, अभी तो सिर्फ हम इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है, इनके भंडारण में विशेष सावधानी का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों जो उर्वरक का जो भंडारण है, जो भंडारण आप करोगे, जहां पे इसका स्टोर करोगे, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ेगी। देखो छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ये है आपका यूरिया का कट्टा, कहीं का यूरिया, यहां से क्वेश्चन भी आता है कि नाइट्रोजन कितना होता है, तो यूरिया में कितना होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। सपोज करो आप यूरिया या DAP कुछ भी लिया है, उर्वरक लिया है, और आप जब इनका स्टोर करोगे तो आपको ऐसी जगह पे इनका भंडारण करना पड़ेगा जहां पे नमी ना हो। अगर दोस्तों थोड़ी सी भी नमी इनको मिल गई तो इनके बड़े बड़े ढेलों के रूप में इस कट्टे में ये जम जाएंगे। क्या होंगे, जम जाएंगे। यूरिया कैसा होता है, दानेदार होता है, तो सारे के सारे दाने मिलके बड़े बड़े पत्थर के रूप में जम जाएंगे। तो हमें सावधानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। गाँव में जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन पर पहले तो तिरपाल बिछाएंगे, उसके बाद में कट्टे रखेंगे, उसके बाद में तिरपाल से उसको ढकते हैं। बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है इनके स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए, उर्वरकों के भंडारण के लिए। अगला पॉइंट है हमारा, मृदा में वायु का संचार ठीक से नहीं हो पाता। और दोस्तों जो ये केमिकल है, रसायन है, इनकी वजह से क्या होता है, मृदा में वायु का संचार अच्छे से नहीं हो पाता। दोस्तों इनके बहुत सारे नुकसान भी है। नुकसान क्या है, जब आप उर्वरक डालते हो तो आपके नीचे जो जमीन है, सपोज करो ये जमीन का ऊपर वाली परत है, और हमारी जमीन में नीचे बहुत सारे केचुए हैं, छोटे छोटे कीट हैं, जो फसल में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और जब दोस्तों आप उर्वरक डालते हो तो क्या होता है कि केचुए वगैरह इन रसायनों के यूज से नष्ट हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इनका एक नुकसान ये भी है कि हमारे जो किसान के जो मित्र हैं ये मर जाते हैं, और जब ये मर जाएंगे तो भूमि की जो क्षमता होगी, उत्पादन क्षमता, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कैसे होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो वायु संचार है वो हमारी फसल के अंदर या मिट्टी के अंदर रुक जाता है, वायु संचार अच्छे से नहीं हो पाता है। किसकी वजह से, उर्वरकों की वजह से। मतलब उर्वरक अगर हम डालते हैं तो इनसे फायदे तो हैं ही सही, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। नुकसान कैसे हैं दोस्तों, जैसे बात करें, क्या है, गेहूं का प्लांट है, कहीं का प्लांट है, गेहूं का, आपने इसमें यूरिया DAP डाल दिया, तो दोस्तों उसको जड़ों के द्वारा ग्रहण करके कहाँ ले जाया गया, प्लांट के प्लांट तक पहुँचाया गया, और इसके बाद में जो आपके दाने बन रहे हैं उनमें भी क्या है, कुछ न कुछ रसायन तो आ रहा है। रसायन जब आपने इसमें डाला है, जहर आपने आपके फसल के अंदर डाला है, तो कुछ न कुछ परसेंट तो आपके गेहूं के अंदर आएगा। और अब जब आप गेहूं की रोटियां खाते हो तो कुछ न कुछ परसेंट आपकी बॉडी के अंदर भी आ जाता है, और जहर से क्या होता है, एक तरीके से बहुत सारे रोग बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होने लगती है। तो आजकल जो सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, खान पान की वजह से, क्योंकि खान पान में रसायनों की मिलावट काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। इसीलिए हमें जैविक खेती करना चाहिए। कैसे खेती करना चाहिए, जैविक खेती, कहने का मतलब है बिना रसायनों के जो खेती करते हैं उसको कहा जाता है जैविक खेती। कैसी खेती कहा जाता है, जैविक खेती, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान भी हैं और बेनिफिट भी है। बेनिफिट कैसे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और धीरे 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 लेकिन हमारी जो भूमि है वो एक तरीके से बंजर बनने लग जाती है, इतनी ज़्यादा मतलब एक तरीके से फर्टाइल या उपजाऊ नहीं रह पाती है उर्वरकों के प्रयोग से। बात करें अगला, इसका इंपॉर्टेंस देखें, इसका उपयोग अत्यधिक महंगा व खर्चीला होता है।
दोस्तों जो उर्वरक हैं इनका उपयोग जो करते हैं हम बहुत महंगा होता है, खर्चीला होता है। जैसे हम बात करें यूरिया डीएपी, तो इनके जो कट्टे आते हैं 50-50 केजी के 1200-1200 रुपए के आते हैं, और हमें इनके लिए मतलब एक तरीके से इनको फसल में डालने के लिए मजदूर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, सावधानी का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक तरीके से खर्चीला है, ऐसा है खर्चीला है, महंगा है। जबकि हम बात करें गोबर की खाद की तो इतनी महंगी नहीं आती है, लेकिन दोस्तों वो सस्ती पड़ जाती है एक तरीके से, कम प्राइस में आपको गोबर की खाद मिल जाती है या फिर आप खुद घर पे भी बना सकते हो। लेकिन उर्वरकों को कहाँ पर तैयार करेंगे, कारखानों के अंदर रसायनों के द्वारा, खनिज पदार्थों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इनके बेनिफिट तो आपने देख ही लिए कि फसल में क्या करेंगे, उत्पादन क्षमता को बढ़ा देंगे और एक तरीके से कम डालने पड़ते हैं और कम समय में काम हो जाता है, खड़ी फसल में डाल सकते हैं। तो ये तो इनके क्या हो गए, इंपोर्टेंस हो गए। लेकिन अगर आपसे हानियां पूछ ली जाए तो आप हानियां भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताई ये बहुत सारी हानियां कि क्या क्या नुकसान है उर्वरकों के। तो दोस्तों हमारा ये उर्वरक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि उर्वरक क्या होते हैं और क्या क्या महत्व है। दोस्तों आप जानते हैं कि उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। तब तक आप इनको नोट कर ले या इस पूरे का स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर की, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इनका वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया हुआ है, अलग अलग बेस पे किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा वर्गीकरण हम देखेंगे वह है पोषक तत्वों के आधार पर इनका वर्गीकरण। दोस्तों पोषक तत्वों के आधार पर इनका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया हुआ है, एकल उर्वरक, संयुक्त उर्वरक और मिक्स्ड उर्वरक। तो सबसे पहले एक एक देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास सरल या एकल उर्वरक। इस ए वाले पॉइंट के अंदर लिखना, आप नोट करना, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक नंबर में एकल या सरल उर्वरक। दोस्तों ध्यान देंगे इस उर्वरक को हम समझते हैं कि ऐसे उर्वरक, कैसे उर्वरक, ऐसे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व एक हो, कितना हो, जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कितना हो, एक हो, ऐसे उर्वरकों को हम क्या बोलते हैं, एकल या सरल उर्वरक। नाम से पता चल रहा होगा एकल और सरल। अब यहाँ पे देखना क्या है आपको, इतना सा देखना है कि प्राथमिक पोषक तत्व कितने हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व कितने होने चाहिए, सिर्फ एक ही प्राथमिक पोषक तत्व होना चाहिए। प्राथमिक पोषक तत्व मैंने आपको पढ़ाया है पहले वर्गीकरण जो किया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तीन है, एन पी के, ये क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, प्राथमिक पोषक तत्व है। तो इनमें से एक पोषक तत्व होना चाहिए, ऐसे उर्वरकों को हम क्या बोलेंगे, एकल या सरल उर्वरक बोलेंगे। अगर बात करें दोस्तों इसके उदाहरण की, तो हम इसमें उदाहरण क्या मतलब, इसमें तीन देखते हैं कि एनपीके नाइट्रोजन वाले उर्वरक कौन से हैं, फॉस्फोरस वाले कौन से हैं और पोटास वाले उर्वरक कौन से हैं। अगर बात करें हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की, उदाहरण करके आप लिख सकते हो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की, तो दोस्तों इसमें अगर हम उदाहरण देखें जिनमें सिर्फ एक ही पोषक तत्व होना चाहिए, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यहां पे हमने क्या लिखा, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन वाले देखेंगे जिनमें सिर्फ नाइट्रोजन होगा। तो इसमें उदाहरण है अमोनियम सल्फेट और यूरिया, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। आपको एक बात का ध्यान देना है कि एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, इसके अलावा और अलग हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एक तो कैसा होना चाहिए, प्राथमिक होना ही चाहिए। तो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट और यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन है, एकल उर्वरक। तो ये दोनों को ऐसे उर्वरक हो गए, एकल उर्वरक हो गए। बात करें हम फॉस्फोरस वाले उर्वरक की, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक की, इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें एग्जाम्पल है सुपर फॉस्फेट और सेल फॉस्फेट। कौन कौन, सुपर फॉस्फेट और सेल फॉस्फेट। अगला देखेंगे हम पोटास, पोटास युक्त उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें क्या होंगे, पोटास होगा। तो पोटास में एग्जाम्पल देखें तो पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों समझने की कोशिश करना, पोषक तत्वों के आधार पर जो वर्गीकरण किया हुआ है इसमें पहले नंबर पे आता है एकल सरल उर्वरक। मतलब एकल सरल उर्वरक का मतलब है ऐसे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व कितना होगा,
एक प्राथमिक पोषक तत्व होगा, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होगा, इन तीनों में से एक तो होगा ही होगा। तो हमने तीनों देख लिए कि नाइट्रोजन युक्त ऐसे कौन कौन से उर्वरक है जो प्राथमिक मतलब है एकल है या सरल उर्वरक है। फास्फोरस वाले देख लिए, पोटास वाले देख लिए। नाइट्रोजन युक्त में आता है अमोनियम सल्फेट, यूरिया। फास्फोरस युक्त उर्वरक में आता है सुपर फॉस्फेट, सेल फॉस्फेट। और पोटास युक्त में आता है पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमारे ये दो ऐसे मतलब तीनों ऐसे उर्वरक है जिनमें क्या है एकल सरल उर्वरक है, या हम इसको एकल सरल उर्वरक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वर्गीकरण हो गया पोषक तत्वों के आधार पर। इसको तीन प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। पहला हो गया एकल सरल उर्वरक। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है जटिल या संयुक्त उर्वरक। कौन सा आता है? जटिल या संयुक्त उर्वरक। जटिल या संयुक्त उर्वरक, ए पॉइंट है। इसके अंदर तीन आते हैं, पहला हमने पढ़ लिया एकल सरल उर्वरक, दूसरा आता है जटिल संयुक्त उर्वरक। दोस्तों जटिल संयुक्त उर्वरक को हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्व कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। कितने प्राथमिक पोषक तत्व होने चाहिए? दो। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। तो ऐसे उर्वरकों को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलेंगे या जटिल या फिर संयुक्त उर्वरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जटिल या संयुक्त उर्वरक बोलेंगे। और एकल में क्या था कि एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट था, मतलब प्राथमिक पोषक तत्व क्या था तीनों में से? एक था। लेकिन यहां पर क्या होंगे? एक खाद के अंदर दो प्राथमिक पोषक तत्व होंगे, मतलब एनपी साथ में हो सकता है, पीके साथ में हो सकता है और एनके साथ में हो सकता है। तो आइए इसमें अगर हम उदाहरण देखें तो दोस्तों उदाहरण लिखेंगे इसमें, मतलब अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। जिन उर्वरकों में एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उन उर्वरकों को हम क्या बोलते हैं? जटिल या फिर संयुक्त उर्वरक बोलते हैं। और दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो आता है अपूर्ण जटिल उर्वरक, अपूर्ण जटिल उर्वरक, और एक आता है पूर्ण जटिल उर्वरक। ये दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर भी मतलब जटिल जो संयुक्त या जटिल उर्वरक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपूर्ण जटिल उर्वरक और दूसरा होता है पूर्ण जटिल उर्वरक। इसके उदाहरण देखें अपूर्ण जटिल उर्वरक के, तो दोस्तों इसमें लिखो आप अमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। अमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये अपूर्ण जटिल उर्वरक है, मतलब इनको पूर्ण रूप से नहीं है, पूरे नहीं है। ठीक है, और पूर्ण में लिखेंगे जिसमें पूरे तरीके से दो प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होंगे वो है नाइट्रो फॉस्फेट पोटास। नाइट्रो फॉस्फेट पोटास। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोषक तत्वों के आधार पर जो वर्गीकरण है, पहला है एकल या सरल उर्वरक जिसमें एक प्राथमिक पोषक तत्व होगा, दूसरा है जटिल या संयुक्त उर्वरक जिसमें दो प्राथमिक पोषक तत्व होंगे, और थर्ड आता है मिश्रित उर्वरक। कौन सा आता है? मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक दोस्तों ये ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व होंगे। कहने का मतलब है तीनों ही होंगे। तो ऐसे पोषक तत्व को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? मिश्रित उर्वरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्रित उर्वरक हम इनको बोलेंगे, मतलब इनमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध हो तो उनको हम बोलेंगे मिश्रित उर्वरक। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला वर्गीकरण पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर तीन प्रकार से हैं, एकल, संयुक्त और मिश्रित। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा जो मतलब एक तरीके से क्लासिफिकेशन आता है वो आता है पोषक तत्वों के मात्रा के आधार पर, प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। बी नंबर डाल के लिखो प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण आप इनको नोटबुक में नोट करते हुए जरूर चले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों इनको दो प्रकार से विभाजित किया हुआ है, जो प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर जो वर्गीकरण है इनको दो प्रकार से विभाजित किया हुआ है। एक तो क्या हुआ है? निम्न विश्लेषक, निम्न विश्लेषण उर्वरक। एक है उच्च विश्लेषक उर्वरक। ध्यान देंगे ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण है दो प्रकार से, एक तो निम्न विश्लेषक है, एक उच्च विश्लेषक है। दोस्तों निम्न विश्लेषक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम हो। कैसी हो? जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी हो? 25% से कम हो, ऐसे उर्वरकों को हम बोलते हैं निम्न विश्लेषक उर्वरक। और अगर बात करें उच्च विश्लेषक उर्वरक की, तो ऐसे उर्वरक जिनमें 25% से ज्यादा क्या हो, प्राथमिक पोषक तत्व हो, तो ऐसे उर्वरकों को हम बोलेंगे उच्च विश्लेषक उर्वरक। बात करें दोस्तों इसमें एग्जाम्पल की, तो SSP सिंगल सुपर पोस्पेट क्या आएगा इसमें, सिंगल सुपर पोस्पेट, इसका पूरा नाम है सिंगल सुपर पोस्पेट। और बात करें दोस्तों हम 25% से ज्यादा वाले की, तो इसमें एग्जाम्पल बात करें तो यूरिया। अब देखो दोस्तों यूरिया में कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है आप सबको याद होगा, 46%। कितना होता है? 46%। तो 25% से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्व हो गया। तो ऐसे उर्वरक जिनका 25% से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्व उस उर्वरक के अंदर है अगर, तो उसको उच्च विश्लेषक उर्वरक में रखा जाएगा, और अगर 25% से कम है तो उसको निम्न विश्लेषक उर्वरक में रखा जाएगा। तो हमारे दो वर्गीकरण या दो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गए, एक तो पोषक तत्वों के आधार पर और एक प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। अब हम बात करें अगले वर्गीकरण की। अगला वर्गीकरण आता है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। सी नंबर पे लिखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। सी भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था मतलब उसको देखेंगे कि ठोस है, द्रव है, कैसा है। तो दोस्तों भौतिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण किया हुआ है वो ठोस और द्रव के रूप में किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ठोस उर्वरक कौन से देखेंगे, ठोस उर्वरक। इसमें नंबर वन डाल के लिखो ठोस उर्वरक। दोस्तों ठोस उर्वरक के अंदर बहुत सारे आते हैं, एक एक करके आपको बता देता हूं, आप नोट कर सकते हो। पहला तो आता है धूल या चूर्ण के रूप में, मतलब ऐसे उर्वरक जो कैसे आते हैं, धूल के रूप में आते हैं या चूर्ण के रूप में आते हैं, उनको बोला गया है धूल या चूर्ण युक्त उर्वरक। जिसमें एग्जाम्पल है जिप्सम सिंगल सुपर पोस्पेट लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, नहीं तो आप इनको छोड़ दोगे, याद नहीं कर पाओगे। ठोस उर्वरक मतलब समझ रहे हो जो कैसी अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में होंगे। कैसी अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है धूल या चूर्ण वाले उर्वरक, धूल या चूर्ण वाले उर्वरक। इसमें एग्जाम्पल है जिप्सम, जिप्सम और SSP सिंगल सुपर पॉस्पेट। ये दोनों उर्वरक कैसे हैं? चूर्ण या धूल वाले उर्वरक है। अगला बात करें तो अगला आता है क्रिस्टल के रूप में, जो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे। तो दोस्तों इसमें जो एग्जाम्पल है वो है अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट। बात करें थर्ड, तो थर्ड है दोस्तों दानेदार, मतलब ऐसे उर्वरक जो कैसे होंगे, दानेदार होंगे। जैसे हम बात करें यूरिया DAP, यूरिया DAP कैसे आते हैं? दानेदार उर्वरक है। बात करें फोर्थ नंबर पे कणाकार, कणाकार। तो दोस्तों ये कणाकार दानेदार दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें भी एग्जाम्पल लिख लो आप यूरिया, क्या लिखोगे? यूरिया, और लिख लो डायमोनियम फॉस्फेट मतलब DAP। एक और लिख ग्रेन्यूल, हॉलैंड ग्रेन्यूल। दोस्तों जो यूरिया DAP हैं इनको मुख्यतः दानेदार में शामिल किया जाता है, लेकिन कणाकार कण के रूप में भी है। तो कणाकार में आप मेन याद रखोगे हॉलैंड ग्रेन्यूल। क्या याद रखोगे? हॉलैंड ग्रेन्यूल। बात करें फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे आता है उच्च कणाकार, उच्च कणाकार। इसमें एग्जाम्पल आता है यूरिया सुपर ग्रेन्यूल, USG। क्या आता है? यूरिया सुपर ग्रेन्यूल। और अगला आता है हमारे पास लास्ट नंबर पे, वो आता है ब्रिकेट्स के रूप में। किसके रूप में? ब्रिकेट्स के रूप में। मतलब ब्रिकेट्स मतलब इसमें भी एक तरीके से क्या है, जैसे यूरिया है तो यूरिया एक तो आता है दानेदार में और एक आता है ब्रिकेट्स के रूप में। ब्रिकेट मतलब छोटे छोटे डिब्बे के जैसे होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिखो यूरिया ब्रिकेट्स। क्या लिखोगे? यूरिया ब्रिकेट्स। तो दोस्तों भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण है, एक तो ठोस उर्वरक, ऐसे उर्वरक जो ठोस अवस्था में होंगे, और इनमें भी छह प्रकार का वर्गीकरण है, धूल, क्रिस्टल, दानेदार, कणाकार, उच्च कणाकार और ब्रिकेट्स।
इसके बाद में जो अगला हमारे पास जो आता है इसमें भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, इसमें हमने एक नंबर पे लिखा ठोस उर्वरक और दूसरे नंबर पे लिखेंगे द्रव उर्वरक। क्या लिखेंगे? द्रव उर्वरक। लिखो द्रव उर्वरक। सेकेंड नंबर आप यहां पर लिख लेना द्रव उर्वरक। दोस्तों इसमें ऐसे उर्वरकों को शामिल किया गया है जिनकी अवस्था कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर द्रव अवस्था में होते हैं। और दोस्तों इसको भी दो प्रकार से विभाजित किया हुआ है। इसमें भी पहला आता है स्पष्ट द्रव उर्वरक। कहने का मतलब है ऐसे उर्वरक। कैसे उर्वरक? दोस्तों ऐसे उर्वरक जिनको अगर हम पानी में घोले तो बिल्कुल अच्छे से घुल जाए, मिक्स हो जाए, तो ऐसे उर्वरकों को तो क्या बोला गया है, द्रव उर्वरक में स्पष्ट द्रव उर्वरक बोला गया है। नाम से पता चल रहा होगा स्पष्ट द्रव उर्वरक, जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, अच्छे तरीके से घुल जाएंगे। दोस्तों याद करो वो दिन जब आपने 10th क्लास में पढ़ा था समांगी मिश्रण। क्या पढ़ा था? समांगी मिश्रण। 9th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसा मिश्रण जो पूरे तरीके से विलेय और विलायक दोनों मिलकर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों कि अगर हम शक्कर को किसमें घोलेंगे, पानी में या दूध में, तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। तो ये मिश्रण हमारा क्या हो गया, समांगी मिश्रण या स्पष्ट द्रव उर्वरक। आप ऐसे यहाँ पे समझ सकते हो, ऐसे उर्वरक जो पानी में घोलने पर अच्छे से घुल जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्पष्ट द्रव उर्वरक, क्लीन फर्टिलाइजर, क्लीन लिक्विड फर्टिलाइजर इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें दूसरा आता है निलंबन द्रव उर्वरक सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइजर। दोस्तों इसमें ऐसे फर्टिलाइजर या ऐसे उर्वरक आते हैं जो पानी में अच्छे तरीके से नहीं घुलते हैं, उनमें कुछ शेष बच जाता है, तो ऐसे उर्वरकों को सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइजर या निलंबन द्रव उर्वरक बोला जाता है। दोस्तों आपने विस्मांगी मिश्रण भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? विस्मांगी मिश्रण। तो इसको तो याद रखे विस्मांगी मिश्रण से, और इसको याद रखे समांगी मिश्रण से। तो दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन एक बार हम वापस देखें उर्वरकों के प्रकार को, तो पहला तो था पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, और थर्ड आया है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अगला वर्गीकरण हम देखेंगे डी नंबर पे, पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। कौन सा देखेंगे? पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। आप नोट जरूर करें दोस्तों, इनको नोट करना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे जब इनको एक बार आप अपने रजिस्टर में पढ़ोगे। उर्वरकों के आधार पर वर्गीकरण डी नंबर पे या फिर 4th नंबर, उर्वरकों पोषक तत्वों का उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। सॉरी फ्रेंड्स, क्या आएगा इसमें? पोषक तत्वों का उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण, उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण, ये हमारा डी नंबर वाला है, याद रखना। इससे पहले हमने 3 पढ़ लिए हैं। तो अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो क्या है? पोषक तत्वों के उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। कहने का मतलब है कौन से उर्वरक है जिनमें कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो इसमें 3 आते हैं। सबसे पहले तो लिखो नत्रजन वाले उर्वरक। कौन सा लिखोगे इसमें? एक नंबर डाल के नत्रजन युक्त उर्वरक। नत्रजन मतलब है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। दोस्तों ये ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें क्या होता है, कहने का मतलब है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं जो नत्रजनन युक्त उर्वरक हैं। ये भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला आता है इसमें नाइट्रेट उर्वरक, मतलब जो नाइट्रेट के रूप में होते हैं। दूसरा आता है अमोनियम उर्वरक, जो अमोनिया के रूप में होते हैं। और थर्ड आता है नाइट्रेट व अमोनियम उर्वरक। आप इनको पूरा जरूर लिखे। और 4th नंबर पे आता है एमाइड के रूप में। किसके रूप में? एमाइड के रूप में। कहने का मतलब है पोषक तत्वों का उपस्थिति के आधार पर जो वर्गीकरण है, 3 प्रकार से हैं। एक तो नत्रजन युक्त हैं, एक फॉस्फोरस युक्त हैं, एक पोटास युक्त हैं। तो दोस्तों जो नत्रजन युक्त मतलब नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक हैं, इनको भी 4 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। एक तो नाइट्रेट वाले, अमोनियम वाले, नाइट्रेट और अमोनियम उर्वरक, एमाइड वाले। नाइट्रेट उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनमें क्या होंगे, नाइट्रेट की मात्रा होगी। एग्जाम्पल की हम बात करें तो सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, याद कर लेना आप या नोट जरूर कर लेना। दूसरा हम बात करें अमोनियम में, तो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। इसमें अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन होता है,
थर्ड है नाइट्रेट व अमोनियम उर्वरक, कहने का मतलब है इन दोनों की मात्रा होगी, दोनों के रूप में होगा। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट नाम से पता चल रहा होगा, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें अमोनिया भी है और नाइट्रेट भी है। देखो अमोनिया क्या होता है, NH4 होता है और ये NH3 होता है। तो इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन आ रहा है, दोनों किस रूप में, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। अगला था एमाइड, एमाइड मतलब है द्रव के रूप में, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है यूरिया कैल्शियम साइनाइड, यूरिया याद रख लो आप, क्या याद रख लो, यूरिया। तो हमारा इसके अंदर हो गया नत्रजन युक्त उर्वरक हो गया। अब सेकेंड हम लिखेंगे इसके अंदर फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, क्या लिखेंगे, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। दोस्तों इसके अंदर तीन आते हैं, एक तो जलवीलीय फॉस्फोरस, कैसा आता है, जलवीलीय फॉस्फोरस, मतलब ऐसे उर्वरक जो जल में अच्छी तरीके से घुल जाएंगे, उन उर्वरकों को बोला गया है जलवीलीय फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। इसमें एग्जाम्पल आता है SSP या TSP, SSP और TSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट ट्राई सुपर फॉस्फेट। सेकेंड आता है इसमें हमारे पास साइट्रेट वीले फॉस्फेट युक्त, साइट्रेट वीले फॉस्फेट युक्त। और दोस्तों जो इसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, क्या है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्तों आप इनको नोट करते हुए जरूर चले, आप इनको रजिस्टर में एक बार अपने मन से पढ़ोगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एफ ए वाला वर्गीकरण क्या था, बी वाला कौन सा था, सी वाला कौन सा था, डी वाला कौन सा था, इनके अंदर भी सब वर्गीकरण कौन कौन से थे। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है फॉस्फोरस में, पहला जलवीलीय हो गया, फिर साइट्रेट वीलीय हो गया, और अगला आता है जल साइट्रेट अवीलीय, जल साइट्रेट अवीलीय उर्वरक। इसमें दोस्तों उदाहरण आते हैं सेल फॉस्फेट व हड्डी की खाल, सेल फॉस्फेट व हड्डी की खाल, हड्डी की जो खाल है दोस्तों ये नहीं घुलती है, अवीलीय होती है, जल में भी नहीं घुलती है। तो फॉस्फोरस में तीन आते हैं जलवीलीय जो जल में घुल जाएंगे, सेकंड साइट्रेट में घुल जाएंगे, और थर्ड नंबर पे आता है जल साइट्रेट अवीलीय जो जल और साइट्रेट दोनों में नहीं घुलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना हड्डी की खाल। अगला आता है इसमें पहला हो गया नत्रजन युक्त उर्वरक और फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, अब थर्ड कौन सा आएगा फ्रेंड्स, पोटास युक्त उर्वरक। हेडिंग क्या है हमारी, ये तो पता है ना, पोषक तत्वों का उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण, पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें नत्रजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, अब पोटास युक्त उर्वरक देखेंगे। तो दोस्तों पोटास वाले में आता है दो प्रकार से करते हैं इसका वर्गीकरण, एक तो आता है क्लोराइड युक्त, क्लोराइड युक्त उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें क्लोराइड की मात्रा होगी, क्या होगी, क्लोराइड की मात्रा होगी। एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड, एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है तो इसमें क्लोराइड की मात्रा है, तो ऐसा उर्वरक क्लोराइड युक्त। और सेकंड नंबर पे आता है क्लोराइड रहित, क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है पोटेशियम सल्फेट, क्या आता है, पोटेशियम सल्फेट। तो दोस्तों आप यहां पे पाओगे कि यहां पे क्लोराइड नहीं है, यहां पे क्या है, सल्फेट है, तो ये क्या हो गया, क्लोराइड रहित तो उर्वरक हो गया, कहने का मतलब इसमें क्लोराइड नहीं है। आई होप दोस्तों आपको इस सारा का सारा समझ में आ गया होगा, एक बार आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं, लेकिन इससे पहले एक और बचा हुआ है हमारा, वो भी हम देख लेते हैं, ई नंबर वाला। डी तक हमने कर लिया है, डी तक वर्गीकरण कर लिया है, ई वाला हम देखेंगे, ई वाला मृदा के प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों आपको अगर यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो लिखने में, तो आप, मैं बोल रहा हूँ इसको आप नोट जरूर कर ले, मृदा के प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है इस टाइम पे, तो आप थोड़ा सा समझे और आप नोट करते हुए जरूर करें, मृदा के प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है, एक तो आता है अम्लीय उर्वरक, कौन से, अम्लीय उर्वरक, और दूसरा आता है सारिये उर्वरक। अब दोस्तों यहां पे एक बात का ध्यान रखें, अम्लीय उर्वरक ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे उर्वरक होते हैं अगर हम उनको ज्यादा डाल दें मिट्टी के अंदर
तो कैसा प्रभाव दिखाते हैं, वो प्रभाव दिखाते हैं अम्ले। कौन सा? तो ऐसे उर्वरकों को बोला गया है अम्ले उर्वरक। और कुछ ऐसे उर्वरक भी होते हैं जिनको अगर हम डालते हैं तो कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, सारिये। तो उन उर्वरकों को बोला गया है सारिये उर्वरक। तो दोस्तों याद रखें कि मृदा में प्रभाव के आधार पर दो प्रकार से होता है, अम्लीय उर्वरक और सारिय उर्वरक। दोस्तों जब अम्लीय हो जाए हमारी भूमि तो हमें क्या डालना चाहिए, चूना डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? चूना। और दोस्तों जब भूमि सारिय हो जाए तो हमें क्या डालना चाहिए, जिप्सम डालना चाहिए। तो दोस्तों मृदा में प्रभाव के आधार पर जो वर्गीकरण है दो प्रकार से, अम्लीय और सारिय। मतलब ऐसे उर्वरक अगर हम जिनको ज्यादा डालते हैं तो मिट्टी में अम्लीय प्रभाव दिखाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा डालने पर सारिय प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा, और इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था वर्गीकरण किसके आधार पे, पोषक तत्वों के आधार पे वर्गीकरण। इसमें हमने तीन वर्गीकरण देखे थे, सरल, दूसरा कॉम्प्लेक्स मतलब संयुक्त, और थर्ड देखा था मिश्रित। सरल में या एकल में क्या था, सिर्फ एक प्राथमिक पोषक तत्व था, और उसके बाद में हमने देखा है कॉम्प्लेक्स या संयुक्त जिसमें दो प्राथमिक पोषक तत्व थे, और थर्ड देखा है मिश्रित जिसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व थे, मतलब तीनों थे एनपीके। ये हमारा पहला ए वाला हो गया। बी वाला आता है हमारे पास इसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पे। तो इसमें हमने दो वर्गीकरण किए हैं, एक तो निम्न विश्लेषक और दूसरा उच्च विश्लेषक। निम्न में 25% से कम मात्रा हो मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की, प्राथमिक पोषक तत्व की, जैसे एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। और दूसरा देखा था उच्च विश्लेषक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से अधिक हो जैसे यूरिया, तो उनको बोला गया है उच्च विश्लेषक। सी नंबर पे हमारे पास वर्गीकरण आया भौतिक अवस्था के आधार पे। तो इसमें हमने दो किया है, टोस और द्रव। टोस को भी 6 भागों में विभाजित किया था, और द्रव को 2 भागों में, एक तो स्पष्ट और निलंबन। स्पष्ट जो अच्छे तरीके से घुल जाएंगे और निलंबन जो अच्छे तरीके से नहीं घुलेंगे। इसके बाद डी वाला हमने किया था पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें तीन वर्गीकरण हमने पढ़े, नाइट्रोजन युक्त, फॉस्फोरस युक्त और पोटास युक्त। इसके बाद में ई वाला वर्गीकरण हमने देखा कि मृदा में प्रभाव के आधार पर, कहने का मतलब मृदा के प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण। इसमें दो वर्गीकरण देखे, अम्लीय उर्वरक और सारिय उर्वरक। आई होप दोस्तों आपको ये उर्वरकों का क्लासिफिकेशन और उर्वरक सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, उसका आंसर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट करना न भूलें। कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नया से नया वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान। एक बात का और ध्यान रखें कि अगर आप लोगों को पार्ट 5 देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 जरूर लिखें। और मिलते हैं हम जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यार जय जवान जय किसान जरूर लिखें।